अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज राधेकर कुमार एंड टुडे इज माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई SMPS। बेसिकली ये एप्लीकेशन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन और इसकी सर्किट डायग्राम और ये कैसे वर्क करता है और इसकी एप्लीकेशन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस वगैरह। तो ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये बेसिकली इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो SMPS है। तो इसका इंट्रोडक्शन लेंगे तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास AC और जो DC जो अनरेगुलेटेड जो DC पल्सेस होती है उनको रेगुलेटेड DC में ये कन्वर्ट करता है। तो हमारे जो भी रिक्वायरमेंट होगी जिस DC रेगुलेटेड वोल्टेज की, तो उस हिसाब से ये हमें वो वोल्टेज देगा। तो ये इनपुट जो है इसका AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है। तो इनपुट पे जो है वो AC मेंस आर अनरेगुलेटेड DC, ओके। तो अनरेगुलेटेड DC वो भी हो सकता है और हमारे पास AC भी हो सकता है, दोनों इनपुट पे आ सकते हैं। उसके बाद आउटपुट जो है वो रेगुलेटेड DC मिलेगा हमें, जो रेगुलेटेड रिक्वायर्ड DC होगा, प्योर DC होगा जिसमें कोई भी AC का कैरेक्टर नहीं होगा। कंट्रोल्ड बाय द PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, ये कंट्रोल करेगा इसको वो PWM जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर होगा, जो यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं कि इसकी जो विड्थ होगी ना, इस ऑन ऑफ का ये काम करेगा। तो इसमें ये डिले देगा बेसिकली कि कितने हमें वोल्टेज देने हैं, कितनी पल्स ऑन करनी है, कितने टाइम पे ऑफ करना है। तो वो स्विच को ऑफ ऑन करवाने के लिए हम PWM यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजेस डिफरेंट, इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हमारे पास यूज़ होते हैं वो ट्रांसफार्मर होता है, रेक्टिफायर होता है, स्विच होता है, फिल्टर्स होते हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी स्विच होते हैं। इसमें जो हम स्विच यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी स्विच होगा, क्योंकि हम एक लीनियर पावर सप्लाई है, उसकी एफिशिएंसी कम है और उसमें क्या है, उसकी एक वेट और साइज बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम हाई फ्रीक्वेंसी स्विच यूज़ करेंगे तो हमें जो दूसरे कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो उसकी साइज़ कम होती जाएगी। हम उसकी कम साइज़ वाले यूज़ करेंगे अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें बेसिकली स्विच क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सिग्नल बाय T ऑन और ऑफ। ऑफ होगा, ऑन होगा, वो इस PWM जो है वो करवाएगा। उसके बाद अगर इसके वर्किंग और बेसिक डायग्राम को हम देखें तो हमारे पास ये रेक्टिफायर है, ये इसके बाद इसके जो ये बेसिक हमने एक डायग्राम बनाया है जिसे हम सीखेंगे, और इसमें क्या है आगे फिल्टर्स वगैरह लगे होंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास जो AC से DC में रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है वो बेसिकली पल्सेटिंग होता है। तो पल्सेटिंग जो वोल्टेज होता है, पल्सेटिंग वेव टाइप होगी, इस तरह की पल्सेटिंग होगी। तो उसको हम रेक्टिफाई करके आगे DC में कन्वर्ट करेंगे। तो ये AC को ले रहा है रेक्टिफायर से, अगर हमारे पास DC है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्विच से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये रेक्टिफायर क्या करेगा, जो AC हमारे पास सिग्नल है उसको पल्सेटिंग DC में करेगा, फिर फिल्टर जो है वो कि इसका फिल्टर को हम यूज़ करके इसका प्योर तो AC नहीं बनेगा, लेकिन इस तरीके से हम AC बना DC बना सकते हैं, प्योर DC नहीं है। तो इसमें क्या कुछ AC के कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। तो ये PWM जो विड्थ पर मॉड्यूलेटर है ये इसकी जो इस तरीके से ये हमें इस विड्थ से इसको कंट्रोल करेगा कि कब इसको वेव को ऑन ऑफ करवानी, कब वोल्टेज को जाने देना है, कब नहीं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विच है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास V आउटपुट है और V रेफरेंस है, ये हमारे पास टाइम है। सपोज V रेफरेंस हमारे पास ये है, ठीक है, और उसका एवरेज हम निकालें तो ये एवरेज बनता है और ये इसका एवरेज है। तो V आउट V नॉट बराबर VT ऑन, ये बेसिकली इसको हम देखें, इसको ये ऑन टाइम हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ये बेसिकली जो हमारे पास ये PWM जो स्विच होता है ये करवाता है सारी इसकी
जो ऑन टी ऑन ऑफ, अगर हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए, जो रेगुलेटेड डीसी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास टी ऑन की जो टाइम पीरियड है वो हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हमें जो टी ऑन की अगर ज़्यादा करेंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगी डीसी रेगुलेटेड वोल्टेज। तो बेसिकली यहाँ पे फिल्टर लगा होगा, फिर ये आउटपुट डीसी जो रेगुलेटेड डीसी हमें आउटपुट में मिलेगा। इसकी हम सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ट्रांसफार्मर भी यूज़ होता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या करता है, जो हमारे पास जो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं उनको स्टेप डाउन करके, डीसी को स्टेप डाउन करके हमें रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज जो देता है, जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इसमें हम इस सर्किट से भी कर सकते हैं, अगर ट्रांसफार्मर यहाँ पे ना लगाएं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वी इन दिया हुआ है अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज, उसके बाद स्विच है, यहाँ पे रेक्टिफायर और फिल्टर्स भी लगे होंगे, ठीक है, तो वो हमें अनरेगुलेटेड डीसी करके दे रहे हैं, तो हम इसको स्विच से गुजार रहे हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ से आएगा तो ये डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और ये रिवर्स ब्यास में कंडक्ट नहीं करेगा, ये फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे जाके हमें वी नॉट देगा, और यहाँ पे हमने रेफरेंस वोल्टेज दिया है। और अब यहाँ पे वोल्टेज जो हम चेक कैसे करेंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं, यहाँ पे अगर आएंगे तो फिर उसके बाद हमने फीडबैक लगाया है, जो फीडबैक अगर यहाँ पे सपोज करें हमारे वी नॉट ज़्यादा है, वी नॉट अगर हमारे जो यहाँ पे जो वोल्टेज हमें रेगुलेटेड डीसी मिला है वो हमारे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ये फीडबैक जो है वो जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा वीएफ फीडबैक पे भी होगा। तो फीडबैक के बाद में हमने इरर एम्पलीफायर लगाया है, तो इरर एम्पलीफायर क्या करेगा, ये रेफरेंस वोल्टेज है और वीएफ अगर ये मैच करेगा, इससे कंपेयर करेगा रेफरेंस वोल्टेज से, फिर क्या करेगा, डीसी वोल्टेज एरर देगा, तो ये प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी। अगर ये लेस है और ग्रेटर है, अगर हमारे रिक्वायरमेंट जो हमारी रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है, उसके बाद ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, कंपेरेटर है, कंपेरेटर बेसिकली दो वोल्टेज को कंपेयर करता है, फिर हमें आगे सिग्नल के देता है, ठीक है, तो ये कंपेरेटर है। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगुलर वेव है, तो ये ट्रायंगुलर वेव क्या करेगी, अगर डीसी ज़्यादा है तो इससे कंपेयर कर लेगी, ठीक है, इसको हम कंपेयर करके फिर टी स्विच को टी ऑन और ऑफ करवा सकते हैं, कितने टाइम में हमें ऑफ करवाना है और कितने टाइम में ऑन करवाना है, ठीक है। तो इसमें आगे हमारे पास ये देखें ट्रायंगुलर वेव है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर वेव है, ठीक है, अगर ये हमारे पास जो ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई है, ये हमारे पास जो है वो इरर डीसी वोल्टेज इरर है जो यहाँ तक आया है। तो बेसिकली इसमें क्या है, ये हमारे पास जो ट्रायंगुलर इस लाइन से ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारे पास टी ऑन टाइम है और ये जो हमारे पास टी ऑफ टाइम है, ठीक है। अगर सपोज कर लें हमारे पास जो डीसी इरर ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा कि हमारे पास टी ऑन टाइम जो है वो कम हो जाएगा और टी ऑफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये सपोज यहाँ पे आ जाए लेस देन हो तो ये क्या करेगा, ये इसका जो टी ऑन टाइम है वो ज़्यादा हो जाएगा और टी ऑफ कम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको जो हमारे पास ये फिल्टर्स वगैरह यूज़ करके, तो हमने क्या किया, इस कंपोनेंट डीसी को यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये स्विच से और ये फिर फिल्टर है, इसको फिल्टर करके हमें डीसी रेगुलेटेड डीसी दे रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट जो रेगुलेटेड डीसी की है उससे ज़्यादा है या कम है, वो हमें फीडबैक बताएगा। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे जितना ज़्यादा होगा उतना ही फीडबैक पे ज़्यादा होगा। तो फीडबैक जो एरर एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, एरर एम्पलीफायर हमें एक टर्मिनल पे रेफरेंस वोल्टेज दिया है कि इस रेफरेंस से हम उसको मैच करेंगे, फिर क्या करेगा, जितना इसका ज़्यादा होगा उतनी डीसी वोल्टेज इधर भी ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पे क्या बनेगा, एक प्लस और ये सपोज करें माइनस बनेगा, तो कितने टाइम में ऑन करवाना है कितने में ऑफ करवाना है। अगर हमें ये लेस है, हमें ज़्यादा चाहिए, हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेगा, हम टी ऑन टाइम को ज़्यादा करवा लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक वर्किंग और बेसिक डायग्राम है और ये बेसिक सर्किट है। हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बिटवीन एसएमपीएस एंड एलपीएस, लीनियर पावर सप्लाई एंड स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इसमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है, वो हम पढ़ेंगे। इसके डिफरेंट पैरामीटर से हमने यहाँ पे लिखा है, चार्ट बनाया है।
तो इसमें क्या है, SMPS क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा होती है, 60 to 95% होती है उसकी, 30% to 40% होती है उसकी एफिशिएंसी कम होती है, और आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा AC और DC जो भी है, आउटपुट वोल्टेज उसका जो होगा वो हमेशा लेस होगा इनपुट वोल्टेज से। रेगुलेशन मेथड अगर इसका देखें तो इसको हम बाय पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं ड्यूटी साइकिल, तो बाय कंट्रोलिंग ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल जो हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उस मॉड्यूलेटर है उसकी वजह से उससे उसकी मदद से हम करेंगे। और इसमें क्या होगा, डिसिपेटिंग एक्सिस पावर, जो एक्सिस पावर होगा वो इसमें ज़्यादा होगा। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली और ये सिंपल होता है। इसमें नॉइज़ और इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। नॉइज़ और इंटरफेरेंस का ये उससे मुराद ये है कि इसमें जो ये काम जो कर रहा है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है, तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उतने ज़्यादा नॉइज़ वगैरह उसके इंटरफेरेंस के इफेक्ट रहेंगे। तो ये 50 kHz से 1 MHz तक होगी, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये लो नॉइज़ होगा, इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 50 Hz से 60 Hz तक होगी और इसके दरमियान होगी। साइज और वेट देखें, ये लेस ट्रांसफार्मर, लेस होगी साइज और वेट भी। ट्रांसफार्मर जो है वो लाइट ट्रांसफार्मर, बहुत हल्का होगा, क्योंकि इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी स्विच यूज करें तो हमें जो कंपोनेंट्स होगी उसकी साइज कम लेंगे, तो वो कंपोनेंट की साइज रिड्यूस कर देता है अगर हाई फ्रीक्वेंसी स्विच। और ये मोर बल्कि मीन्स बहुत बड़े मिकदार में इसकी साइज होगी और मोर होगा इसकी साइज। एप्लीकेशन देखें, ये हाई पावर वगैरह सिस्टम्स जो भी है हमारे पास, लैपटॉप जो CPU वगैरह उसमें यूज़ होता है, तो इसमें लो पावर और सिंपल होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो ये हाई इसकी एफिशिएंसी होती है, मोर कॉम्पैक्ट होता है, साइज में स्मॉलर होता है, ये बहुत अच्छी बात है। कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड वोल्टेज, ये कंट्रोल और रेगुलेटेड वोल्टेज हमें प्रोड्यूस करता है। और डिसएडवांटेज इसकी हाई नॉइज़ होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसके बाद कॉस्टली है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं और नॉइज़ है, इंटरफेरेंस। एप्लीकेशन देखें तो CPU वगैरह हमें वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। थैंक यू।